कितने लोग हैं मुफ्तियान किराम कहते हुए भी शर्म आती है उन लोगों को कि जो बड़े बड़े मजालिम पर तो मिनकार जेर पर है और बड़ी बड़ी गलतियां हजम किए हुए और वहां ऊंची सांस लेने की उनकी मजाल नहीं, और अब बैठे बातें बना रहे हैं और अपनी अहले सुन्नत व जमात के उसूल के खिलाफ महज किसी की दुगदुगी बजाने। जितने लोगों ने पोस्टें की हैं, जितने लोगों ने अहले सुन्नत में से बयान दिए, मैं उनसे लाइव कह रहा हूँ, आप सारे हजरात सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के तहफ्फुज़ में जो हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, यहाँ मुखालिफीन की उस दलील की आप वजाहत करें अपने लफ्जों में, किस चीज को गुस्ताखी कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, किसके कहने पे कह रहा है। मैं सिर्फ एक दिन इन तमाम हजरात का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितने इल्म के यतीम खानों में रहने वाले या कितने गैरों के हाथों में खेलने वाले ये किस चीज को तोहीन करार दे रहे हैं। आपके पास चंद घंटे हैं, अगर रत्ती भर भी गैरत है दीन की आप लोगों के अंदर तो पीर मेहर अली शाह साहब की इस इबारत या अपने लफ्जों में ये वजाहत करके दें कि पीर साहब ने इसमें क्या लिखा है, और इसके बाद मैं बताऊंगा क्या मैंने इसकी कोई गलत वजाहत की या जो पीर साहब ने कहा मैंने वो जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि दीन इस्लाम के मुख्तलिफ महाज़ों पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से हस्बे इस्तेताअत पहरा देने की साज़िश जारी है। अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात पर मुसलसल जो हमले हो रहे हैं उसके जवाब में बहुत थोड़े से लोग उन हमलों से वाकिफ़ हैं और फिर आगे बहुत थोड़े से लोग उन हमलों का जवाब दे रहे हैं। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो ख़ुद हमला आवरों के नेटवर्क में बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा बने हुए हैं। इसी सिलसिला में सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और मसला बाग़ फदक के लिहाज से जब पाकिस्तान में एक चैनल पर एक मलऊना ने तौहीन की तो उसके जवाब में कुरान और सुन्नत से अल्लाह ताला के फजल व करम से तकरीबन मुख्तलिफ नशिस्तों में 12-13 घंटों पर हमने जवाब दिया, और उन्हीं मबाहिस में से एक जवाब में हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्डरवी आपकी एक तहरीर को भी ज़िक्र किया गया। अफसोस इस बात का है कि हमारे आवाम तो आवाम रहे, बाज़ ख़वास को भी उसूल अहले सुन्नत की ख़बर नहीं, और वो गैरों की लाबियों के ज़ेर असर आ चुके हैं। जो 14 सदियों में अहले सुन्नत का अकीदा रहा, अहले सुन्नत ने तसानीफ़ की, आज कुछ फरेब खुर्दा और पसपा लोग उसी को तोहीन भी करार देने लगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की सदाकत और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी अज़मत अहले सुन्नत व जमात का ईमान है, और इनको बयान करने और इनकी हिफाजत में अहले सुन्नत हरगिज़ ये तरीका जायज़ नहीं समझते कि किसी की शान को भी माज़ल्ला किसी लिहाज से डिग्रेड किया जाए। जब शान हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पर मुबैना हमला किया गया तो ये कितने मशायख थे जो उस वक़्त बोले, कितने ख़तीब थे जिन्होंने मसला बागे फदक पर दलाइल दिए। चलो नात खान तो ये बेचारों को पता ही नहीं कि दीन के उसूल क्या हैं, और ये जो ख़तीब हैं कानों पे हाथ रखने वाले, इनमें से कुछ तो कुछ मदारिस की दाल पिए हुए हैं और कुछ तो बिल्कुल पता ही नहीं कि हमारे दीन के उसूल क्या हैं। अब हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रूरत महसूस की तो मुखालिफीन के सवाल का जवाब दिया। हमने
28 फरवरी को शान मौला अली रदी अल्लाह तआला ने सेमिनार में जो कड़ियावाला में मुनक्कद हुआ, बहुत से उलमा व मशायख उसमें मौजूद थे। उसमें हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का यह हवाला पेश किया और ये हम ने दलाइल दिए कि कितने ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके मानी अहले सुन्नत के नज़दीक और हैं और दूसरों के नज़दीक और हैं। और उस दिन हमने कहा था कि ये हमारे कुछ उलमा भी इतने बेखबर हैं कि जब ये सुनेंगे तो वो इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाएंगे, और वही हुआ कि आज अफसोस से तरस आता है इन बेचारों पर कि जिन्हें अपने उसूल का पता नहीं, उसूल अहले सुन्नत का पता नहीं। चलो दूसरा टोला जो है वो तो वैसे कभी कुरान से टकराते हैं, कभी ईमान से टकराते हैं, लेकिन ये जो अहले सुन्नत व जमात कहलवाने वाले हैं इनको तो कम अज़ कम अपने उसूल की खबर होनी चाहिए। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी गुस्ताखी करना तो दरकिनार, गुस्ताखी का सोचना भी इंसान को बर्बाद कर देता है। आपकी तौहीन करने वाला जहन्नमी है, और हम तो वो लोग हैं कि बचपन से परवान ही इस फिज़ा में चढ़े हैं कि हम अज़मत रसूल के पास बाहें पास बाँ, हम चादर बतूल के पास बाहें पास बाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला। लेकिन आज मामला ये है कि जब चोरों को पकड़ने के लिए हम बल्ब जलाते हैं और चोर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, पर ऐसी सूरत हाल इस मसला भी है और हमें इस पर ताज्जुब नहीं। उस दिन हमने कहा था कि ऐसा होगा, ये लोग इस तरह करेंगे, और मैं अहले सुन्नत के वो नौजवान जो इस सिलसिला में बार बार अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि सब्र करो, क्योंकि हमने अपना तकद्दस, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू अगर इसको बचाना होता तो हरगिज़ हम किसी बुरे को बुरा ना कहते, जो कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमने तो अमर बिलमारूफ़ और नहय अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए, देखें वो लफ्ज़ खुदा का मामला हो, लफ्ज़ नबी का मामला हो, वो शान अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान का मामला हो, शान सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम का मामला हो, वो पूरे दीन इस्लाम की बात हो, वो नमाज की बात हो, वो जमात की सफ़ों की बात हो, हम तो अल्लाह के फ़ज़ल से हर हर महाज पर अपने अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन के मुताबिक अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और ये कितने लोग हैं, मुफ्तियाने किराम कहते हुए भी शर्म आती है उन लोगों को कि जो बड़े 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 मजालिम पर तो मिनकार जेरे पर हैं और बड़ी बड़ी गलतियां हजम किए हुए हैं और वहाँ ऊंची सांस लेने की उनकी मजाल नहीं, पर अब बैठे बातें बना रहे हैं और अपने अहले सुन्नत व जमात के उसूल के ख़िलाफ़ महज किसी की डुगडुगी बजाने पे वो जो है वो बोल रहे हैं। जितने लोगों ने पोस्टें की हैं, जितने लोगों ने इस सिलसिला में अहले सुन्नत में से बयान दिए, बाकी का मामला हम अलहदा करेंगे, मैं उनसे लाइव कह रहा हूँ, आप सारे हजरात सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के तहफ़्फ़ुज़ में जो हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा तस्फिया के अंदर सफ़ा नंबर 46 पे, इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक़े मुखालिफ़ की तरफ से दी जाती है, यहाँ मुखालिफीन की उस दलील की आप वजाहत करें अपने लफ्ज़ों में, और पीर साहब ने जो उस दलील का जवाब दिया है आप उस जवाब की वजाहत करें, और ये वजाहत करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। मैं इस पर आप तमाम हजरात को जिनको लगा है कि कोई तौहीन हुई है, शकूक व शुबहात है, मैं सब की बात को सुनूंगा कि कितने संजीदा अल्फाज में, कितने जामे तरीके से
और कितने अहसन तरीके से आपने किबला पीर साहब की गुफ्तगू की वजाहत की। इसके बाद आगे फिर तयन होगा कि किस चीज़ को गुस्ताखी कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, किसके कहने पे कह रहा है। लिहाजा बजा में खेश मुफ्तियान किराम या जितने भी खतीब हैं या दीगर जो मशायख में से, वो सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया की सफ़ा नंबर 46 में जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया है और मुखालफीन की दलील का जवाब दिया है, तो ये हज़रात जिन्हें तशवीश है या एतराज़ है या कुछ है, वो पीर साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया है मुखालफीन की दलील का, उस जवाब को अपने लफ्ज़ों में समझाएं मुझे या किसी को समझाएं, वजाहत करें कि वो जवाब है क्या। और उसके बाद फिर मैं सिर्फ़ एक दिन इन तमाम हजरात का इंतज़ार करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितने इल्म के यतीम खानों में रहने वाले या कितने गैरों के हाथों में खेलने वाले ये किस चीज़ को तोहीन करार दे रहे हैं। तोहीन अहले बैत हो या तोहीन सहाबा, इससे तो मर जाना अच्छा है और अपने रब के दिए हुए उसूल अहले सुन्नत को छोड़कर गैरों के कहने पर अपने ही 14 सदियों के दीन पर हरफ जनी करना, कम अज़ कम सोचना चाहिए ऐसे रवैये के लिहाज से। लिहाजा कई मुझे बताया गया कि सुप्रीम काउंसिलें बनी हुई हैं और कहीं ये वो, मैं सबको बबांगे दोहल कह रहा हूँ, आपके पास चंद घंटे हैं, अगर रत्ती भर भी गैरत है दीन की आप लोगों के अंदर, तो पीर मेहर अली शाह साहब की इस इबारत में जो मुखालफीन की दलील और उसका जो जवाब पीर साहब ने दिया है, ये अपने लफ्ज़ों में ये वजाहत करके दें कि पीर साहब ने इसमें क्या लिखा है। और इसके बाद मैं बताऊंगा क्या मैंने इसकी कोई गलत वजाहत की या जो पीर साहब ने कहा मैंने वो जिक्र किया। और इसके साथ ही पीर साहब ने 58 सफ़े पर ये लफ्ज़ भी लिखे हैं, खता का सुदूर बहर कैफ मुताहरीन से मुमकिन है, अलबत्ता हशर उनका आखिरत में मगफरत कामिला की सूरत में होगा। ये 58 सफ़े वाली जो इबारत है इसकी भी वजाहत करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जिन्हें समझाना है उन्हें कोई ख़बर भी है कि इमकान खता और वकूए खता में निस्बत कौन सी है और इनका हुक्म जुदा जुदा है या हुक्म एक है। चुनांचे मैं मुंतज़िर हूँ संजीदा से संजीदा अल्फाज और मुझे इसमें किसी लिहाज से कोई तरद्दुद नहीं होगा जिसके जितने संजीदा अल्फाज से वो पीर साहब की इस गुफ्तगू की वजाहत करेगा हम उसी को कबूल कर लेंगे। मगर पीर साहब ने जो कुछ कहा है जिन्हें कहा है, आज उनके साथ बैठ के दावतें खाने वालों को ये क्यों नहीं सोचा रही कि पीर साहब जो बोल रहे थे तो आज इन लोगों को ये दीन पर पहरा ज़रूर देना चाहिए। लिहाजा जितने भी लोगों को जोश खिताबत का घमंड है या इल्म का घमंड है, वो पीर साहब की इस गुफ्तगू को अपने लफ्ज़ों में बयान करके व्हाट्सएप करें और उसके बाद इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में लगाने निकले हैं।